पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज के हमारे जो खास मेहमान हैं, इनका तारुफ ना मैं इन्हीं के शब्दों से करने वाली हूँ कि ये वो हैं जो रचते हैं, सजाते हैं और जी रहे हैं। ये राइटर हैं, रंगकर्मी हैं, एक्टर हैं, ऑल इन वन है ये। और रिसेंटली अपना डेब्यू इन्होंने एक्टिंग का किया है, लेकिन इनके जो काम है उन्हें हम अलग अलग जरियों से देख ही रहे हैं। बात कर रही हूँ गुंजन जोशी की, जिनसे ढेर सारी ऑफकोर्स आज हम बातें करेंगे। बट सबसे पहले गुंजन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए। अच्छा, तो जैसे आपके इंस्टाग्राम के बायो में ही आपने ये लिखा है, मैं रचता हूँ, सजाता हूँ, जी रहा हूँ, तो इसी से आपके बात को आगे लेके जाते हैं कि अब डेब्यू आपकी एक्टिंग का भी हो गया फाड़ू से, तो रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा मिल रहा है, मतलब जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा मिल रहा है, और लोग बहुत ही अच्छा बोल रहे हैं। जिन लोगों ने मतलब जिन लोगों से कभी उम्मीद नहीं थी कि ये फोन करेंगे, वो लोग फोन करके बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा है। जिन दोस्तों से कभी उम्मीद नहीं की थी कि भाई ये लोग कभी अच्छा बोलेंगे हमें, वो तक अच्छा बोल रहे हैं। जिन दुश्मनों से उम्मीद नहीं की थी कि वो अच्छा बोलेंगे, वो तक अच्छा बोल रहे हैं। तो आई थिंक अच्छा काम हो गया है। जी बिल्कुल, अच्छा काम हुआ है। लेकिन इस अच्छे काम की शुरुआत कहाँ कैसे हुई? क्योंकि देखिए, रंगकर्मी तो आप तब से हैं जब आप 12 साल के थे। उसके बाद, जैसे मैंने कहा, आपके काम को अलग अलग जरियों से, यानी आपकी राइटिंग को हम फिक्शन में देख रहे हैं, नॉन फिक्शन में, रियलिटी शोज, अवार्ड शोज, सब में जो अच्छी अच्छी बातें हम जिन पे तालियां बजाते हैं, कहीं ना कहीं आपके शब्द, आपकी लेखनी है उसके पीछे। बट एक्टिंग की तरफ डेब्यू करना, ये आपने कैसे डिसाइड किया? निधि जी, थोड़ा सा करेक्ट करेंगे कि जी स्क्रीन पर एक्टिंग का डेब्यू कैसे किया। क्वेश्चन हाँ, शुड बी दिस, स्क्रीन पे, क्योंकि यस राइट, थिएटर में तो कर चुके जी हैं। जी 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 थिएटर में तो कर चुका हूं, और मुझे लगता है कि जितने भी लोग छोटे शहरों से आते हैं ना, उनका सबसे पहला काम एक्टिंग ही होता है। चाहे इतना सा रोल हो, बहुत बड़ा रोल हो, नाटक में, स्कूल के नाटक में, कहीं पर भी, मतलब एक छोटा सा डेब्यू एक्टिंग से ही होता है, फिर वो इधर उधर जाते। तो बट भगवान की दया रही कि मुझे काफी अच्छे मौके मिले शुरू से एक्टिंग में। नहीं मिले तो मैंने खुद ने बना लिए, मैंने खुद ने अपने नाटक लिखे, एडॉप्ट किए, कहानियां एडॉप्ट की, वो सारे काम किए। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से मैं ग्रेजुएट हूँ एक्टिंग का। फिर अब सवाल यह है कि अभी स्क्रीन पर डेब्यू कैसे हुआ। तो एक्चुअली एक छोटा सा किस्सा है कि एक गांव में एक पहलवान आता है बहुत बड़ा, और सबको चैलेंज करता है कि बॉस कौन मुझे हराएगा। और हम देखते हैं एक छोटा सा ऐसा आदमी आगे आता है, और उसके साथ फाइट होती है, और फाइट होने के बाद देखते हैं कि फाइनली वो आदमी जीत जीत जाता है, जो दुबला पतला रहता है, तगड़ा हार जाता है। तो सब उसका सम्मान करते हैं, वो सब करते हैं। तो छोटा सा आदमी कहता है, वो सब तो ठीक है, पहले बताओ कि धक्का किसने दिया। मुझे धक्का देने वाला आदमी है मुकेश छाबड़ा, अच्छा, कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा, जिन्होंने मुझे इस जगह एक तरह से धक्का दिया। हालांकि ये ऐसा ऐसी जगह जहां मैं सब कब से आना चाह रहा था, बट अच्छा मौका नहीं मिल रहा था। तो अच्छा मौका देने वाला मुकेश छाबड़ा है, एंड ऑफ कोर्स फिर उस पर अप्रूवल की मोहर लगाने वाली जो हमारी निर्देशिका है अश्विनी अय्यर तिवारी जी, वो है सोनी नेक्स्ट है। तो इन सब, एक ऑडिशन हुआ, ऑडिशन में एक रोल किया, फिर उसके बाद उससे थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल दिया गया, फिर उससे इंपॉर्टेंट रोल दिया गया, आरके दिया गया, एंड देन दे फाइंड कि चलो ठीक है, इसको आरके देते हैं, एंड देन दे लाइक इट, एंड मौका दिया और किया बिल्कुल आपके बिल्कुल, सामने। जी जी। अच्छा, बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऑफकोर्स, जैसे आपने कहा कि, और बहुत सही कहा कि छोटे शहर से जो आता है वो सपना स्क्रीन पे आने का ही लेकर आता है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया कि बस वही सब। नहीं, निधि जी, मैं आपको करेक्ट करूंगा। सपना चाहे स्क्रीन पर आने का ना हो, शुरुआत उसकी एक्टिंग से एक्टिंग, होती है। राइट राइट, जी तो एक्टिंग से शुरुआत, लेकिन आपने ऐसा नहीं है कि वहीं पे रोक दिया अपने आप को, आपने अपनी लेखनी को निखारा उसके जरिए, फिक्शन, नॉन फिक्शन, इस तरह से आपने काम किया। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आप डायलॉग्स लिख रहे हैं, जो लोग पर्दे पे उसे बोल रहे हैं, किसी जी और के लिखे डायलॉग्स को आपने पर्दे पे जब बोला, एक्टिंग का जो एक्सपीरियंस रहा वो कैसा था? स्क्रीन पे देखिए, एक्टिंग, फिर से मैं करेक्ट कर दूं खुद को ही। जी 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 बिल्कुल, अब हम जो भी बात करेंगे स्क्रीन पे एक्टिंग की करेंगे, तो अब आप उसे स्पेसिफाई मत कीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि
मेरे जो दो सबसे महत्वपूर्ण काम हैं राइटिंग के, एक तो मैं, मेरी पत्नी और वो राजपाल यादव और ऋतुपर्णा सेन जी गुप्ता की जो फिल्म है जिसके लिए मुझे स्क्रीन अवार्ड में नॉमिनेट किया गया था, राइट वो और एक और फिल्म थी 404 प्रभात रमन के डायरेक्शन में। वो मेरा फिक्शन का राइटिंग वर्क था और अब मैं ये एक्टिंग कर रहा हूँ। जमीन आसमान का फर्क पता है क्या होता है कि जब आप राइटिंग करते हो तो आपको लगता है कि आप, अब ऐसा नहीं किया इसने, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, क्योंकि आपकी फिल्म आपके दिमाग में चल रही होती है। और जब आप एक्टिंग करते हो तब आपको समझ में आता है कि बॉस कितना कठिन है शब्दों को स्क्रीन पर उतारना। और ये एहसास होने में मुझे लंबा टाइम लग गया, क्योंकि मैं, मेरी पत्नी और वो से लगा के फाड़ू के बीच का जो डायरेक्शन टाइम है वो काफी ज्यादा है। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि गुरु मन ही मन में खाली ऑन पेपर लिखने से अलग बात होती है, और जब उसको एक्ट करते हो तो काफी मुश्किल होता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरा राइटिंग का जितना अनुभव है वो काफी काम किया। स्क्रिप्ट जिस तरह से लिखे थे उसको पूरी तरह से समझा, न सिर्फ समझा बल्कि मेरे पास रतन किंकाब वाला आर के जो कैरेक्टर है उसकी एक बहुत लंबी बैक स्टोरी है जो इस शो का हिस्सा ही नहीं थी, वो पूरी मेरे पास, मुझे पता है कि वो किस ईयर में पैदा हुआ, क्या किया उसने, कैसे वो उस मोड़ तक पहुंचा जहां पे वो अभय से पहली बार मिलता है, जो उसका एंट्री सीन। सो दैट आई नो एज अ राइटर, तो उसका मुझे बहुत फायदा हुआ। बट स्टिल जो लिखा हुआ था उसको स्क्रीन पर उतारने में काफी मेहनत लगी, काफी समझना पड़ा, एक एक शब्द समझना पड़ा। क्योंकि तो आप पहली बार पढ़ते हो आपको लगता है यार ये सही नहीं है, ये गलत नहीं है, बट आप तो पहली बार पढ़ रहे हो, राइटर ने लिखा, राइटर ने कम से कम नाना करते हुए 10वां ड्राफ्ट आपको भेजा है, पहला ड्राफ्ट नहीं भेजा, ये मिनिमम बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। मतलब डायरेक्टर के पास तीसरा या चौथा ड्राफ्ट क्या होगा, बट उसने खुद ने जब लिखा होगा तो उसके 10वां ड्राफ्ट आपके पास पहुंचा है मिनिमम, तो उसने इतना सोचा है तो उस पर भरोसा करो, यकीन करो। एंड यस, कहीं कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया, काफी मजा आया, लेकिन राइटर को स्क्रीन पर उतारना अपने आप में बस यही तो एक्टिंग है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ना अभी एक नॉटी सा सवाल आ रहा है दिमाग में। कई बार बहुत एक्टर्स जो डायरेक्शन में कदम रखते हैं उनसे भी मैं ये पूछती हूँ कि जब आप डायरेक्ट कर रहे हैं किसी और एक्टर को, क्या दिमाग में ऐसा आता है कि आपके अंदर का एक्टर जाग उठता है और बोलता है अरे नहीं, ये सीन को ऐसे करो। तो आप जब एक्टिंग कर रहे थे तो आपके अंदर का राइटर जागा कभी कि यार ये ऐसे नहीं ऐसे लिखते? वो तो निधि जी सबका जागता है, मतलब जो राइटर नहीं है उसका भी राइटर जागता है तो मेरा जागना तो स्वाभाविक है। बट वही मैंने कहा कि जो, चूंकि मैं ऑलरेडी एक राइटर रह चुका हूँ तो मैं वो पूरी प्रोसेस जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि अगर एक लाइन किसी के पास जानी है तो उसमें एक लंबी मेहनत, लंबे ड्राफ्ट रखते हैं, तो मैंने बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ने के बारे में ना तो कभी सोचा, और बात करने का तो सवाल ही नहीं उठता कि इस सीन को ऐसा मोड़ देते हैं। कुछ एक चीजें थी जो करते करते एज एन एक्टर, एज ए मतलब ऑफ कोर्स एज एन एक्टर ही कहूंगा, एज ए राइटर तो नहीं, क्योंकि बहुत सोची समझी चीजें नहीं थी, एज एन एक्टर कुछ चीजें हुई जो ऐड की हैं, छोटी मोटी, बहुत ज्यादा नहीं, दो शब्द तीन शब्द, उससे ज्यादा नहीं किए हैं। बस वही है, उससे ज्यादा मतलब चूंकि मैं राइटर हूं इसलिए मुझे ये मन नहीं हुआ कि यार मैं राइटिंग में चेंज कर दूं। जो सिर्फ एक्टर होते हैं उनके मन में बहुत आता है, ये मैं आपको बता दूं ओके जी। वो जिसे हम इम्प्रोवाइजेशन कह देते हैं। नहीं, एक्चुअली इम्प्रोवाइजेशन अलग है और राइटिंग में एडिशन अलग चीज है। इम्प्रोवाइजेशन वो चीज होती है जब आप कैरेक्टर में डूबे रहते हो और कैरेक्टर में डूबे डूबे आपसे कुछ हो जाता है, हाँ ठीक है। एंड राइटिंग मतलब जब लोग राइटिंग को इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं मुझे उससे प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने एक प्री प्लान सोचा समझा, सोच के आया हो कि मुझे मेरा रोल बढ़ाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाह रहा हूँ, तो बात तो वो अलग चीज होती है। इम्प्रोवाइजेशन अलग चीज, इम्प्रोवाइजेशन एक्टर का काम है और राइटिंग में चेंजेस राइटर का काम है। आई थिंक दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिंग एंड राइटिंग का, इम्प्रोवाइजेशन और एडिशनल राइटिंग का। करेक्ट। अच्छा गुंजन जी, आपने कहानी से शुरुआत की थी ना ये बताने की कि एक्टिंग में आप कैसे आए, कि वो पहलवान जो था वो छोटे से दुबले आदमी को धक्का किसी ने दे दिया। तो अब मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आपने जैसे कहा मुकेश जी ने आपको धक्का दे दिया, अब आगे जी की और कोई पहलवानी आप करने वाले हैं? हाँ, बिल्कुल। मैं मतलब कुछ एक काम किए हैं मैंने जो अभी आने वाले हैं, आप मुझे नितेश तिवारी जी की फिल्म बवाल में देख सकते हैं, और एक संजय गुप्ता जी की फिल्म आ रही है मिरांडा ब्रदर्स, उसमें भी मैं आपको दिखूंगा। तो फिलहाल एक्टिंग में तो यही है, बाकी देखते हैं, अभी कुछ बातें चल रही है, कोशिशें चल रही है, वो सब चीजें हैं।
सो मतलब अब आप फुल ऑन मैदान में उतर चुके हैं कि अब एक्टिंग की तरफ और ज्यादा जुझारू होके फोकस कर रहे हैं। हाँ, मैं फुल ऑन इस मैदान में भी उतर चुका हूँ। मैं जो मेरा फिल्म राइटिंग का मैदान है, जो कि काफी लंबे समय से फिक्शन नॉन फिक्शन राइटिंग की वजह से चूक गया, मैं उसमें भी कूदा हुआ हूँ। और नॉन फिक्शन तो मतलब है ही घर की खेती, तो मैं उसमें हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि अब मेरे लिए एक और जरिया खुल गया है एक्टिंग, और बड़ा सुकून मिलता है एक्टिंग करने से, क्योंकि ये एक वो चीज़ है जो मैं भी बचपन से करना चाहता था। राइटिंग भी करना चाह रहा था, नॉन फिक्शन राइटिंग कर लिया। फिक्शन राइटिंग में अभी बहुत कुछ करना है मुझे, एक्टिंग में तो अभी शुरू ही हुआ है। तो ये सारी चीजें जो करनी है, मतलब क्या है कि वो एक नाव है जिसमें एक तरफ से बैलेंस नहीं है, हर तरफ से बैलेंस लगा हुआ है। सारे चप्पू चलेंगे तभी चलेगा। तो गुंजन जोशी तभी चलेगा जब ये सारे चप्पू एक साथ चलेंगे। मैं अब राइटिंग के बारे में थोड़ा आपसे पूछना चाह रही हूँ। एक तो फिक्शन राइटिंग हमें पता है कि चलो फिल्मों के लिए लिख रहे हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है जो आप कर रहे हैं वो है नॉन फिक्शन, यानी ये जो रियलिटी शोज हैं, वॉट फंक्शंस हैं, इनकी स्क्रिप्टिंग। मैं ये जानना चाहती हूँ एक आम ऑडियंस के लिहाज से कि हम एक रियलिटी शो को नॉन स्क्रिप्टेड या बिल्कुल जैसा है, कंटेस्टेंट्स आते हैं या अवार्ड मिल रहे हैं वैसा मान के चल रहे हैं, तो इसमें स्क्रिप्टिंग कितना बड़ा हाँ, मैं रोल है और कितना डिफिकल्ट? जी बहुत जरूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि ये है तो नॉन फिक्शन, लेकिन इसमें एक पार्ट फिक्शन होता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ कि अभी आप जब आपने जब मुझसे इंटरव्यू करने के लिए तैयारी की, ठीक है, तो आपने मेरे बारे में पढ़ा होगा, कुछ सोचा होगा कि यार एक काम करते हैं, इससे शुरुआत करते हैं, ठीक है। चूंकि आप खुद अपनी स्क्रिप्ट लिखती हैं तो आपको पता होगा, आपने लिखा नहीं, बट अगर आप नहीं करती तो अगर कोई और कर रहा होता तो आप उसको प्रॉपर एक लिख कर देती कि भैया ये है, उसके बाद गुंजन से ये सवाल पूछने हैं और इसी अंदाज में पूछने हैं, क्योंकि मैंने रिसर्च की है कि वो इस टाइप का बंदा है, उसके कुछ वीडियोस देखे या उसका कुछ इंस्टाग्राम देखा या जो भी है, फेसबुक वगैरह सब देखा, इस तरह का बंदा है, कविता लिखता है, ये करता है वो, तो उससे इस तरह के सवाल पूछने चाहिए। उसके बाद मैं क्या जवाब देता हूँ वो अलग बात है। वो आपने छोड़ दिया कि आपने बोला कि आप एज ए राइटर आपने लिखा है, निधि आएगी, निधि ऐसे इंट्रोडक्शन देगी, उसके बाद गुंजन अपना नमस्ते बोलेगी, नमस्ते बाद गुंजन जो बोलेगा वो आपने खाली छोड़ दिया। उसके बाद निधि पहला सवाल ये पूछेगी, दूसरा सवाल ये पूछेगी, देन इसके बाद आपकी एक और ड्यूटी होती है, जो एंकर होता है उसके कान में इन ईयर होता है, ठीक है। तो हम लोग कई बार खुद राइटर या कई बार जो क्रिएटिव डायरेक्टर होता है वो बोलता है कि अब ये बोल दीजिए, अब ये बोल दीजिए। तो ऑनलाइन जिसको बोलते हैं ना ऑनलाइन राइटिंग, वो भी होती है, जो लिखा नहीं जाता, जो सिर्फ बोलने को कहा जाता है वो भी होता है। तो वैसे किसी भी कंपटीशन में आपने शो को इंट्रोड्यूस किया, आज की थीम को इंट्रोड्यूस किया, चलिए किसी सिंगिंग शो का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो आज की थीम जो आज हम हैं कि मतलब आज हमारे साथ आए हैं कुमार शानू साहब, आए हैं कुमार शानू को इंट्रोड्यूस किया, कुमार शानू के बारे में हमने कुछ कहा, देन हम पहले कंटेस्टेंट पे गए, हमें पहले से ये तो पता ही होता है कि कंटेस्टेंट कौन सा गाना गाएगा, ये तो ऑफकोर्स बता ही दिया जाता है। तो उसके गाने को हमने इंट्रोड्यूस किया, कैसे और हर एपिसोड में कैसे उसको इंट्रोड्यूस करना है। कई बार हम थीम को इंट्रोड्यूस करते हैं, कई बार उसकी पूरी जर्नी को इंट्रोड्यूस करते हैं, कई बार कहते हैं भैया आया इतनी बार ऊपर गया, इतनी बार नीचे आया, लेकिन अभी तक वहीं खड़ा हुआ है और वो मिल लिया, या कभी ये कि जिन कुमार शानू को हमेशा पूछता था आज उनके सामने खड़ा हुआ है। तो अलग अलग तरह के इंट्रोडक्शन होते हैं, वो इंट्रोडक्शन डिजाइन करना। उसके बाद फिर जो परफॉर्मेंस हुई वो टोटल नॉन फिक्शन है, टोटल रियल है। उसके बाद जो कमेंट्स हुए वो टोटल रियल होते हैं। उसका जो क्लोजिंग है, या अगर कोई मोमेंट है जो आपको आपने छोटा सा प्लान किया है, मान लीजिए किसी का बर्थडे है या कुछ किसी के मम्मी पापा हैं, वो कहाँ होगा कैसे होगा, तो वो सारी चीज उस राइटिंग में शामिल होती है। नॉन फिक्शन पार्ट, अगर नॉन फिक्शन में नॉन फिक्शन पार्ट सिर्फ इतना होता है कि आपने कंटेस्टेंट ने अपना परफॉर्मेंस दिया, उसका परफॉर्मेंस और उस पर जो रिएक्शन है, इसके अलावा सारी चीजें वेल रिटन वेल डिजाइन चीज होती है, एंड दैट्स वाह, द नॉन फिक्शन राइटिंग। काफी टफ होता है क्योंकि ये रियलिटी को नॉन रियलिटी से जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। आपको वो बिल्कुल जगह छोड़नी पड़ती है कि अगर इसने बहुत अच्छा किया तो क्या होगा, मीडियम किया तो क्या होगा, और सबसे और मान लीजिए अगर आज दिन उसका नहीं और बुरा हो गया तो क्या होगा। फिक्शन में वो नहीं, फिक्शन में आपने एक बार लिखा और जो लिख दिया पत्थर की लकीर हो गई, इसमें नहीं होता। तो दिस इज लिटिल बिट टफ देन फिक्शन। करेक्ट करेक्ट। तो आपने दोनों, जैसे बड़ा अच्छा एग्जांपल आपने दिया, एक नाव है और उसमें आप हर जगह पलड़ा बिल्कुल संभाल के चल रहे हैं,
ये कैसे मैनेज किया कि आप नॉन फिक्शन को भी कर रहे हैं, पैरेलली फिक्शन है, एंड ऑफ कोर्स नाउ एक्टिंग भी है, और थिएटर तो आपका है ही है, तो कैसे है कि ये बोट आपकी हर तरफ से बैलेंस्ड है? इसलिए क्योंकि मेरी जो नाव है उसका नाम है कलाकार, और मैं कला के सागर में अपनी कलाकार की नाव चल रही है। इसमें जो अलग अलग चप्पू है वो है फिक्शन, नॉन फिक्शन, राइटिंग, एक्टिंग। मे भी हो सकता है 1 साल बाद आप एज ए डायरेक्टर मेरा इंटरव्यू लें। वाह, इसमें बिल्कुल पूरी उम्मीद है इस बात की कि आप ये कर सकती हैं। हाँ मैनेज करने जैसी बात नहीं, आप अपने आप को जहां रखते हैं वो आप मैनेज कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर बचपन में कोई आपसे कहता, बचपन में आज से 20 साल पहले, होप आपकी उम्र इतनी होगी, कोई जी कहता यार एक ऐसा इक्विपमेंट आपके पास होगा जिसमें आप बात भी कर सकते हो, जिसमें आप मैसेज भी देख सकते हो, जिसमें आप गाने भी सुन सकते हो, जिससे आप फोटो भी खींच सकते हो, हमसे यार इतना चीज मैनेज कैसे करेंगे। बट अब वो मोबाइल आपके पास है और आप उसे बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो, राइट तो आप जो सोचते हो वो आप कर लेते हो। इसलिए मैं अपने आप को कलाकार की कैटेगरी में रखता हूँ। मैंने कभी अपने आप को एक्टर वगैरह, ठीक है कलाकार ने एक्टिंग में डेब्यू किया है, बट मैं कलाकार हूँ। मेरा थिएटर भी प्यार है, फिल्म भी प्यार है, टीवी में भी प्यार है, राइटिंग भी प्यार है, एक्टिंग भी प्यार है। मैं भी डायरेक्शन भी करूँ और मैं ऐसे ही रहना चाहता राइट एंड हम हूँ। इंतजार भी करेंगे उस मौके का कि आपको एक बतौर डायरेक्टर मैं इंटरव्यू आपका ले रही हूँ, लेकिन जैसे गुंजन जी आपने कहा पहला मेरे एज एन बिल्कुल एक्टर थोड़े ज्यादा इंटरव्यू ले लीजिए, उसके बाद फिर जाएंगे बिल्कुल डायरेक्टर बिल्कुल, और पैरेलली भी अगर चीजें चल रही है तो उसमें क्या हार्म है, आपकी एक्टिंग की नाव पे। में भी वो पतवार चल रही है और यहाँ भी चल रही है, अब तो मैं यहाँ भी उसी वो सारे पतवारे एनालॉजी में चलती आपसे बात रहती करने वाली हूँ। है। जी। लेकिन ये जो गुंजन जोशी है उनका जी। एक कलाकार के रूप में वो कैसे विकसित हुए ये मैं जानना चाह रही हूँ, बिकॉज छोटे शहरों से बहुत सारे लोग इंटरव्यू देख के आई एम श्योर प्रेरणा लेना चाहेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक जो बहुत ज्यादा चीज जरूरी होती है वो तो माता पिता का आशीर्वाद और उनकी छूट और उनकी चॉइसेस, उनकी चॉइस आपको बनाती है। मेरे पिताजी का मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी हैं, थे मतलब अब रिटायर हो चुके हैं, जी और लेकिन उनका गानों में फिल्मों में बहुत इंटरेस्ट था और कहानियों में पढ़ने में। उन्होंने मुझे कई चीजों से इंट्रोड्यूस कराया, कई सिंगर से इंट्रोड्यूस कराया, कई बार मुझे बैठ के लिरिक्स समझाया उन्होंने कि बेटा देखो ये लिरिक्स ऐसा होता है, ये इसमें देखो एक्टिंग कैसे हो रही है। तो मुझे समझ नहीं आता, मैंने कहा क्या बात कर रही है, बट धीरे धीरे जब 3 4 बार देखा, मैंने कहा हाँ यार क्या, जब कुछ नहीं कह रहा तो एक्टिंग हो रहा है, वो चीजें हैं। फिर धीरे धीरे मैंने जो दूसरी चीज मैं जिसको श्रेय दूंगा वो है गणेश जी, और गणेश जी भी गणपति उत्सव, हम जहाँ रहते थे वहां गणपति उत्सव होते थे साल में 1 बार, और मेरी जितनी भी भड़ास होती थी कि बॉस मैंने अगर इस क्लास में ये चैप्टर पढ़ा है तो अगर इस पर फिल्म बनेगी तो कैसी बनेगी, और फिल्म तो हम अच्छा बना नहीं सकते थे तो हम नाटक करते थे। ठीक है, हर साल गणेश उत्सव में 3 से 4 नाटक करता था। कभी हो जाता कि एक डायरेक्टर एक ही करेगा तो मैं डायरेक्ट करके दूसरों का नाम देके मैं उस नाटक को डलवाता था। कई बार ये हुआ कि एक एक्टर एक नहीं एक्टिंग करेगा तो मैंने कहा ठीक है मैं इसमें एक्टिंग कर रहा हूँ, बाकी जितने भी हैं उनको आप सिर्फ परफॉर्मेंस मान लीजिए, अच्छा तो आप कॉम्पिटिशन से बाहर गए। तो मैंने मेरे साथ ये भी हुआ है कई बार सारे कॉम्पिटिशन में गए, कई बार ये बोला गया कि ये नाटक कॉम्पिटिशन से बाहर है आपके और इसे देखिए, और निधि जी जो नाटक कॉम्पिटिशन के बाहर होते हैं उसमें कोई प्रेशर नहीं होता, और वो जो होते हैं तो स्टार बना देते हैं। तो ये जो शुरुआत थी, एक तो माता पिता का सहयोग और एक जो मुझे एटमॉस्फियर मिला गणेश उत्सव के थ्रू, क्योंकि मैं नीमच जैसे छोटे शहर में रहता था जहाँ पे थिएटर लगभग नहीं होता था, होता ही नहीं था, इनफैक्ट वहां पे हम कैसे थिएटर करें, मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं थिएटर कर रहा हूँ। जब मैं नाटक करता था मुझे पता ही नहीं था मैं थिएटर कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं था मैं हाँ लिख रहा हूँ। मैंने पंच परमेश्वर, कफन, यशपाल की फिल्म निरापद, यशपाल की कहानी निरापद, और न जाने कितनी चीजें कितने नाटक किए, तो वहां से एक शुरुआत हुई। और उसके बाद फिर मैं जब इंदौर आया पढ़ाई के लिए तब मैंने प्रॉपर थिएटर शुरू किया, और वहां पर जब हर बाप ये कह रहा था कि बॉस, खास करके मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स में था और यूनिवर्सिटी में सेकंड रैंक पर आया था, तो जहां हर
जो लास्ट में आ रहे बंदे उसके माँ बाप भी ये कह रहे हैं, बॉस यही वक्त है कि आप कम इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ कर लीजिए तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। वहां मेरे पिताजी ने मुझे इजाजत दी कि आप जाइए और जाकर अगर तुम्हारा मन है एनएसडी करना है तो तुम करो, और मैंने एनएसडी की और आज मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने। वाह आई थिंक वाह, दिस इज हाउ इट गोज। राइट। सो जाते जाते बस लास्टली, जो जैसे मैंने कहा छोटे शहर के लोग हैं जो यू नो बहुत सपने होते हैं, बट कहीं ना कहीं वो वापस आ जाते हैं चीजों से हार मान के, आप अपनी लाइफ जर्नी को एग्जांपल लेके क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक तो मुझे भगवान की ऊपर वाले की मेहर रही कि मैं वापस गया नहीं। दूसरी बात यह कि मैं एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ऐसी चीज थी जो मेरे लिए एक वॉल जैसे थे कि मैं इधर से उधर जा सकता हूँ, उधर से फिर इधर नहीं आ सकता, वो चीज थी। बट मुझे लगता है उसके अलावा ये है कि बहुत सारी चीजें होती है जिनको फॉलो करना चाहिए। आपको सिर्फ एज एन अगर आप मुंबई में जा रहे हैं तो आपको कुछ बैकअप प्लान भी होने चाहिए। वो बैकअप प्लान इंडस्ट्री से जुड़े हुए भी हो सकते हैं, आप राइटिंग कर सकते हैं, आप डायरेक्शन कर सकते हैं, आप प्रोडक्शन में हो सकते हैं, और मैं यकीन मानिए सारी चीजें कॉस्ट्यूम में हो सकते हैं, सेट्स में हो सकते हैं, ये सारी चीजें एज एन एक्टर आपको आगे बढ़ाती है, एज एन एक्टर एज एन आर्टिस्ट आपको आगे बढ़ाती है। अगर आप लिखना भी चाह अगर आप सिर्फ राइटर बनने के लिए भी आए हैं और अगर आप उस दिन डायरेक्शन करते हैं तो आपका राइटिंग अच्छा होगा, अगर आप कुछ दिन सेट करते हैं तो आपका राइटिंग अच्छा होगा। तो मुझे लगता है कि हार नहीं माननी चाहिए। कई बार जीवन में ऐसा आया कि यार शायद कहीं गलत तो नहीं आ गए हैं, लेकिन हार नहीं मानना और सर्वाइवल के लिए भाई यही जगह, इसके अलावा कहीं और जा नहीं सकता। मतलब मैं तो कहता हूँ कि आजकल तो नहीं चलता, लेकिन पहले कुछ दिनों पहले मैं कुछ सालों पहले मैं कहता था कि यार मैं तो पीसीओ भी नहीं चला सकता हूँ, जो है जैसा है वो यही। निधि जी ये शादी की तरह है, ठीक है जो है कमिटमेंट यही है। हाँ कमिटमेंट रखना पड़ता है कि जो है यही है, तो आखिरकार आपकी अल्टीमेटली आपकी शादी सफल शादी हो ही जाती है, राइट, चाहे आपने लव मैरिज की हो, अरेंज मैरिज की हो, पसंद के लड़के से की हो, नापसंद के लड़के से की हो, लेकिन अगर आप में जज्बा है कि जो है यही है, आपकी शादी हमेशा सफल रहेगी। वैसे ये है कि आपकी कहानी सफल ही रहेगी, उसमें आपने कितना बड़ा मुकाम पाया ये अलग बात है, ये दिगर बात बिल्कुल है, लेकिन आप हमेशा सफल ही रहेंगे, चाहे छोटे रोल करते हुए सफल रहे, चाहे छोटे काम करते हो सफल रहे, लेकिन आप सफल ही रहे, ये बात तय। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पते की बात कही है, बिल्कुल लग रहा है लेखक की ही कलम से निकले हैं ऐसे शब्द। और ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच। और मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि आपकी जो नाव है उसमें जितनी चीजें पैरेलली चल रही हैं, चाहे बतौर राइटर हो, एक्टर हो, डायरेक्टर भी हो, आने वाले वक्त में आपके साथ और इस तरह से तारुफ और इंटरव्यूज का एक सेशन चले। और आज के लिए गुंजन जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच निधि।